अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ सादकाबाद ऑटो सेंटर पर, जो ज़्यादा मॉडल यहाँ पे मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से भी वीडियो मैंने बनाई थी, तो आज रुक करते हैं रोही मोटरसाइकिल 70 cc का। तो चाइना की बाइक है ये रोही मोटरसाइकिल, मेरे सामने मौजूद है। तो आज इसका आपको डिटेल से रिव्यू देंगे। ये 70 cc बाइक है, ठीक है, न्यू मॉडल 2022 जो लेटेस्ट मॉडल आया है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से शुरू करेंगे दोस्तों। फ्रंट पर इसका जो फेंडर लगा हुआ है वो अच्छे वाला क्रोम लगा हुआ है और LD का जो फेंडर लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसकी शॉक की बात कर लें तो शॉक इसको हैवी ड्यूटी मोटे वाली लगी हुई हैं, ठीक है। और ये हब की बात कर लें तो हब इसको बफ वाली लगी हुई है, काफ़ी फ्लेक्सिबल लगी हुई है। लेदर प्लेट लगी हुई है, ये भी अच्छी वाली लगी हुई है, हब के साथ ही अटैच है, बिल्कुल ही एक ही सेट लगा हुआ है इसको। उसके बाद दोस्तों इसके टायर की बात कर दें तो टायर इसको सर्वस का लगा हुआ है, लॉन्ग लाइफ का सर्वस का फ्रंट टायर जो है, ठीक है, वो लगा हुआ है इसको। 4 ply में ये लगा हुआ है, सर्वस का टायर 4 ply में लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। 2 25 17 का इसका साइज़ होता है। उसके बाद दोस्तों इसके मोनोग्राम की बात कर लें, फ्रंट मोनोग्राम जो हारन के बिल्कुल ही नीचे होता है वो भी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक में लगा हुआ है। और उसके बाद हारन की बात कर लें तो हारन इसमें अमूमन जो आम वाला जैसे बाकी बाइक्स में आप लोगों ने देखा होगा वो लगा हुआ है। हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट इसको रोही वालों ने अपनी लगाई हुई है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि क्राउन बाइक्स में क्राउन की होती है, CRLF की, स्टैनले वगैरह की लगी होती है, तो रोही कंपनी ने ये अपनी जो लाइट है ना जो वो अपनी यूज़ की हुई है। अच्छा दोस्तों उसके बाद इंडिकेटर की बात की जाए, इंडिकेटर इसको काफ़ी अच्छे वाले और काफ़ी फ्लेक्सिबल लगे हुए हैं, ये टूटने वाले नहीं हैं इंडिकेटर। इसको वही 70 cc में जो लगे होते हैं ये अच्छे वाले, रबड़ इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली है। और दोस्तों मीटर की बात की जाए, मीटर इसको अच्छे वाला लगा हुआ है, ज़बरदस्त मीटर लगा हुआ है, ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है, इसकी DCA में मीटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ब्रिज प्लेट की बात की जाए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ब्रिज प्लेट जो है ना वो बारीक वाली लगी होती है और दूसरी लोहे वाली होती है, लेकिन ये सिल्वर की लगा दी इन्होंने मोटे वाली। अच्छा दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक की ग्राफिक्स जो न्यू मॉडल है 2022 में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली इन्होंने लगाई है। ये कलर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसको लगे हुए कलर्स। और ये मोनोग्राम साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये रोही का तितली का मोनोग्राम बनाया हुआ है इन्होंने, और ये साइड कवर लगे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों ये रेयर शॉक है, ये जंपर जिसे कहते हैं, ये मोटे वाले लगाए गए हैं। अच्छा दोस्तों चैन केस की बात की जाए, चैन केस इसको सिल्वर कलर में लगाया गया है, मैग्नेट कवर भी इसके साथ अटैच किया है, कलर्स अटैच हो रहे हैं, बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं। और दोस्तों ये हेड सिलेंडर की बात कर लें, हेड सिलेंडर इसको 78 cc का जो CM का लगाया गया है, 78 cc हेड वो सिलेंडर लगाया गया है। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है काफ़ी ज़्यादा चाइनीज जितनी भी बाइक्स हैं उनमें ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये इन्होंने सिल्वर कलर का जो सिलेंडर लगा दिया गया है, ठीक है, 78 cc में। कार्बोरेटर इसको गोल वाला लगा दिया है, छोटे वाला, वो अमूमन सारी बाइक्स जितनी भी चाइना की उनमें ये गोल वाला कार्बोरेटर ही आ रहा है। उसके बाद दोस्तों टायर की बात की जाए, टायर इसका रेयर वाला वही सर्वस का लगाया गया है, 2 50 17 का सर्वस का इसको 4 ply का टायर लगाया गया है, ठीक है। सीट की बात की जाए और फोम काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाला लगाया गया है, ठीक है इसमें। और बैक लाइट की आप बात कर लें, बैक लाइट भी इसको काफ़ी मजबूत वाली लगाई गई है, टेल लाइट मुकम्मल लगी हुई है। इंडिकेटर वही इसको जैसे फ्रंट पे लगे हैं वही 70 cc में लगे होते हैं, वही लगे हुए हैं इसमें। और सीट कवर और सीट जो है ना इसकी मुकम्मल अटैचमेंट की हुई है, दोनों साथ में लगती हैं इसको, जैसे चाइना में लगती है वैसे नहीं लगती, 70 cd वाली जो 6 में उन्होंने लगाई हुई है। दूसरा 70 बाइक है चाइना की, ठीक है, सारी कैटेगरी इसमें 70 cd की नज़र आ रही हैं। और इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इसकी अभी जो रेट चल रहा है तो इसका 72,500 रेट है। मज़ीद अगर जो प्राइस में कोई डिफरेंट वगैरह हुआ ये बड़ी कीमत, तो वो नई कीमत के साथ आपको अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी कीमत जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो इसकी 72,500 रुपये इसकी जो कीमत है फ़िलहाल जो अभी बरकरार है। मज़ीद कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, तो वो नई कीमत भी हो सकती है, ठीक है, पुरानी भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।